एमपी आईडी ना होने के चलते अस्पताल में फंसे जच्चा बच्चा, परिजनों का आरोप, नर्स मांगती है पैसे, एसडीएम से शिकायत, नहीं मिल रही छुट्टी। शिवपुरी जिले के कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में हुई डिलीवरी के पश्चात टीला गांव के जच्चा बच्चा को छुट्टी नहीं मिल पाई। छुट्टी ना मिलने की वजह से परिजनों को टीकाकरण पंजीकरण एमपी आईडी ना होना बताया गया। परिजनों का आरोप है कि टीला गाँव में टीकाकरण के लिए आने वाली नर्स सविता गोस्वामी द्वारा टीकाकरण के कार्ड पर एमपी आईडी नहीं चढ़ाई जाती है। नर्स सविता गोस्वामी के द्वारा घर बुलाया जाता है, जहां उनके द्वारा एमपी आईडी चढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। इंद्रपाल चिरा ने बताया कि उनके 6 बच्चे हैं, जिनमें से 5 बच्चों के जन्म प्रणाली इसी खामी की वजह से नहीं बन सके हैं। उन्होंने इसकी शिकायत कोलारस एसडीएम से कराई है। क्या नाम है आपका? क्या कहाँ रहती हैं आप? मैं तो सुपरी से आई हूँ, उनकी नंद है, उनकी डिलीवरी हुई है, मैं सुपरी से आई हूँ। लेकिन जो कल हमारी सहायिका आई थी ना, उनका मतलब उनका कहना है, उनने बताया मेरे को कि वो 3 महीने टीकाकरण करने नहीं जाती। वो गई थी तो वो कहती हैं वो करती नहीं है, क्योंकि वो 300 रुपये देने को तैयार नहीं होती। 300 रुपये तो हम देंगे, हमारी अटक रही है, सहायिका क्यों देगी? इसलिए वो सहायिका का नाम देती नहीं है 300 रुपये, और हम जाएंगे हम देंगे तो वो नंबर डाल देती है। नहीं, समस्या क्या आ रही है? आप आज हॉस्पिटल आए बोला नहीं मैंने, यार छुट्टियाँ ही हो रही है हमारी। आज हमारी 48 घंटे हो गए, रात में 2 बजे 12:30 बजे, लेकिन अब हमारी छुट्टी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा? उनसे पूछा नहीं आपने? तो बोला ना, पूछा तो वो कह रही है वो टीका की किताब है ना, उस पर वो नंबर डालना है, वो नंबर वो डालती नहीं है। कौन नहीं डालती? उनका क्या नाम है, कविता गोसम है या सविता गोसम? अच्छा, नंबर नहीं डालती। तो वो कौन है? वो आंगनबाड़ी में, मतलब आंगनबाड़ी टीला जाती है, आंगनबाड़ी में बैठती है, टीकाकरण करती है, टीकाकरण करने वाली है। अच्छा, तो उनके द्वारा नंबर नहीं डाला जाता? नहीं, क्यों नहीं डाला जाता? अपने आप नहीं डालती, जैसे अपन ने किताब बना दी, तुम्हारा काम है तुम डालो, ये तो वो नहीं डालती। तुम घर जाओ, अब आप डिलीवरी हुई, अब हम घर जाते तो वो डाल देती, 300 रुपये लेती सब टीला की डिलीवरी, ऐसे ही होती। तो गांव में नहीं आती क्या? गांव में आती हैं, 3 महीने में आ गई, 2.5 महीने में आ गई, 4 महीने में आ गई, तब टीकाकरण होते हैं, टीकाकरण चुकते हैं बच्चों के। तो फिर इसके हिसाब से तो आंगनबाड़ी भी नहीं खुलती होगी? आंगनबाड़ी नहीं खुलती, कभी कभी खुलती है, कभी कभी नहीं खुलती, मंगलवार को खुल जाती है। तो वो आंगनबाड़ी में जो खाना माना देती हैं वो खोल देती हैं। ये तो 3 महीने में जाती हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, उनका कोई मतलब टाइम नहीं है कि जैसे टाइम होता है 1 महीने में, वो 3 महीने में उनको आना चाहिए, तो लास्ट महीने में नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सहायिका आंगनबाड़ी खोलती है? सहायिका खुलती है। अच्छा। और सहायिका भी यहीं रहती है, कभी खुलती है कभी नहीं खुलती, ये होता है। अच्छा, मतलब रोज नहीं खुलती। तो आपके ऐसे कितने बच्चे हैं इनके, जिनके डिलीवरी हुई है, जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला? 4 बच्चे हैं हमारे, 5 अभी लड़का हुआ है अभी। अच्छा, 4 लड़कियाँ तो 5 लड़कियाँ, मतलब एक का बन गया, 4 का नहीं बना। अच्छा, 4 का नहीं बना, उसका कारण यही रहा? यही है। और वो मांगते हैं छुट्टी का पर्चा दे दो, छुट्टी का पर्चा हमें मिलता ही नहीं है, क्यों हम चले जाते हैं, अब लियो आज चले जाएंगे हम, छुट्टी तो नहीं हो रही हमारी, वो नंबर डलाएंगे तब वो छुट्टी होगी, इस तरह से बस।